पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, अब कल तेजस्वी यादव जो है आक्रोश मार्च निकालने वाले हैं। आपको हमने एक खबर बताई थी कि तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश को घेरने का पूरा प्लान बना लिया, आक्रोश मार्च निकालने वाले हैं और सीएम नीतीश के खिलाफ मोर्चा निकालने वाले हैं। लेकिन अब केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने अब इस पर पलटवार कर दिया है। तेजस्वी यादव को बता दिए, जब उनसे एयरपोर्ट पे ये पूछा गया, पटना एयरपोर्ट पर मीडिया ने उनसे ये पूछा कि कल तेजस्वी यादव जो हैं वो आक्रोश मार्च निकालने वाले हैं, उस पर उन्होंने कहा कि जो लोग अपराधियों को संरक्षक देते हैं, उनका पालन पोषण करते हैं, वो क्या विरोध मार्च या आक्रोश मार्च निकालेंगे। वो जब सत्ता में थे तो कितने बड़ी बड़ी घटनाएं होती थी, कितनी बड़ी बड़ी घटनाएं होती थी, ये उनसे जाके पूछिए। आप उनसे नहीं पूछ रहे। सीएम नीतीश, आज भी केंद्र या राज्य की सरकार ऐसी है कि अगर कोई भी अपराध होता है तो अपराधियों को बख्शा नहीं जाता है, उनको दंड दिया जाता है, उनको बख्शा नहीं जाता है। नित्यानंद राय ने साफ साफ तेजस्वी यादव को विरोधियों के संरक्षक बता दिया, ये बता दिया कि वो उनका पालन पोषण करते हैं। आक्रोश मार्च निकालकर क्या करेंगे, कोई फायदा नहीं है। उनके शासन में जो कुछ भी हुआ वैसा अब बिहार में नहीं हो रहा है, ये उनको याद दिलाइए। इसके बाद नित्यानंद राय से पूछा गया कि लोकसभा चुनाव में तो 400 के पार नारा लगा, लेकिन अब विधानसभा चुनाव के लिए 200 के पार नारा लग रहा है। आपको बता दें कि कल बीजेपी की बैठक थी, इसमें रणनीति डिसाइड हुई और विनोद तावरे ने बोल दिया विधानसभा चुनाव में 200 के पार हमको क्रॉस करना और आरजेडी को धूल चखाना। इस पे जब नित्यानंद राय से सवाल किया गया कि क्या स्ट्रैटेजी बनी है, तो उसमें उन्होंने बोला कि बिल्कुल जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में हम सफल हुए हैं, वैसे ही विधानसभा चुनाव के लिए रणनीति स्ट्रैटेजी सब कुछ तैयार हो चुकी है और इंडिया अलायंस को धूल चटाने के लिए हम पूरी तरीके से तैयार हैं। 200 के पार जाएंगे और एक बार फिर से जो है हम सफल होंगे, चुनाव लड़ेंगे। नित्यानंद राय ने साफ साफ ये बोल दिया। एक तरफ उन्होंने तेजस्वी यादव को विरोधी बताया, अपराधियों का संरक्षक बताया, तो एक तरफ अब ये भी क्लियर कर दिया कि विधानसभा चुनाव में हम 200 के पार होंगे और इस पे हम स्ट्रैटेजी और रणनीति पूरी तरीके से बना रहे हैं, मंथन अब इस पर हमारा जारी है। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने एक बहुत बड़ा बयान दिया, क्या कुछ कह रहे हैं नित्यानंद राय, आप पहले वो भी सुनिए। प्रतिरोध मार्च करेंगे पूरे बिहार में। प्रतिरोध मार्च करने का तो उनको कोई हक ही नहीं है, इसलिए कि आप उनका जो इतिहास है वह आपराधिक पृष्ठभूमि वाले लोगों को संरक्षण देने और पोषण करने का है। कभी तो अपराधियों को पकड़े नहीं 15 वर्षों में और अपराधियों को हमेशा संरक्षण ही दिए। आज नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो एनडीए की सरकार है, घटना घटती है तो अपराधियों को पकड़ती भी है, कोर्ट तक ले जाके उसको सजा भी दिलाती है। तो कोई भी घटना घटती है वह दुर्भाग्यपूर्ण होता है, लेकिन उस घटना पर सरकार तत्परता से बिहार की कार्रवाई करती है, यह एक बड़ा विषय है। और उस समय जिस समय 15 वर्षों का जो लालू जी का और लालू जी की पार्टी आरजेडी का जो जंगल राज का शासन था, उस समय देखते थे कितनी बड़ी बड़ी घटनाएं होती थी और किस प्रकार से घिनौने अपराध किए जाते थे। उस समय के अगर बहुत सारी घटनाओं को आप याद करेंगे तो आज भी मन कांप उठता है। तो निश्चित रूप से कोई घटना घटती है तो यह दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन यह सरकार सुशासन की सरकार है और अपराधियों पर कार्रवाई करती है। भाजपा कार्य समिति की बैठक थी, इसमें निर्णय लिया गया कि इस बार विधानसभा चुनाव 200 के पार। हाँ बिल्कुल, 400 के पार कहा गया था। बिल्कुल बिल्कुल, 2025 में आरजेडी और जो इंडी गठबंधन है उसको बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में धूल चटा देंगे,
एनडीए 200 पार करेगी। इस बार भी 174 सीट लोकसभा 2024 के चुनाव में एनडीए जीती है और 2025 में 200 पार करेगी। जो सोचता है वो करता है। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओ जे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।